9 अगस्त को एक मामला होता है, मामला नहीं कहेंगे, एक बहुत बड़ा पाप होता है। कोलकाता में एक डॉक्टर तो चलिए छोड़ देते हैं एक बार के लिए, एक देश की बेटी के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आता है कोलकाता में 9 तारीख को, इसी महीने की 9 तारीख को, 9 अगस्त को। और आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज तारीख है 16 अगस्त, एक हफ्ता हो चुका है पर अभी तक आरोपी को सज़ा नहीं दी गई है, केवल कस्टडी में ले लिया गया है पर सज़ा अभी तक नहीं हुई है। और मुझे नहीं पता कितने महीनों तक उसको ले जाकर सरकारें पूजा करेंगी। यहाँ केवल इतना होता है कि यहाँ निर्भया हो जाता है, यहाँ कोई और केस हो जाता है जिसमें किसी डॉक्टर के साथ या किसी और अन्य पेशे में देश की बेटी को बहुत कुछ सहना पड़ता है, परंतु ये देश की जनता इतनी महान है कि वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि कौन सा वो हमारे साथ हो रहा है। इस तरीके की मानसिकता, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की मानसिकता आपको एक इंसान होने का एहसास कराती है। एक राज्य की बात नहीं है, एक वर्ग की बात नहीं है, डॉक्टर की बात नहीं हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये लगती है मुझे, ये तो एक महापाप है कि एक डॉक्टर के साथ में अगर इतना बड़ा दुष्कर्म हो जाता है एक लड़की के साथ में जो डॉक्टर है पेशे से, एक डॉक्टर लड़की है, उस राज्य की चीफ मिनिस्टर एक औरत है ममता बनर्जी। एक हफ्ता बीत चुका है पर फिर भी आरोपी कस्टडी में है पर अभी तक उसको सज़ा नहीं दी गई है। मुझे नहीं पता कितने महीने कितने साल लगाएंगे ये लोग इस कानून को व्यवस्था के अंदर फंसाते फंसाते और कितना देर तक उसको टालते रहेंगे। पर सीरियसली आप लोगों को ये लगता है कि आप लोग इंसान हैं? नहीं, आप ये अपने दिल पे हाथ रख के एक बार ज़रा सोच के देखिए कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत अगर थोड़ी सी बची हुई है ना, तो इस चीज़ को ज़रा सोचिए। आपका शांत रहना किस हद तक तक संगत है, मुझे तो समझ नहीं आता कि आप इंसान भी हैं, आप जिंदे भी हैं। और दूसरी बात यह है कि कानून तो एक्चुअल में इस चीज़ में क्या कानून, समझ नहीं आता मुझे तो, कि आपको जब दिख रहा है कि आरोपी ये बंदा है जो खुला घूम रहा है, क्या मतलब इस चीज़ को आप कैसे जस्टिफाई करना चाहते हैं, ये कैसा आपका कानून है? यहाँ सरकार की तो बात नहीं हो रही है। पहली चीज़, अगर आपके देश में बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि 15 अगस्त को आप स्वतंत्रता दिवस मनाएं। दूसरा रीज़न, अगर एक डॉक्टर अपने माता पिता से एक बेटी वहाँ घर छोड़ गए और वहाँ हॉस्पिटल में आती है, डॉक्टर जो डॉक्टरी है उसकी पढ़ाई करती है, उसके साथ में ऐसा कुछ हो जाता है जो कि एक महापाप है, इतना कुछ जाने के बाद आपको लगता है कि माता पिता इतनी आसानी से बेटियों को घर से बाहर पढ़ने के जाने देंगे, इजाज़त देंगे? नहीं, मुझे तो यही समझ नहीं आता कि इस देश की जनता और सरकार है, जब तक ऐसी इस मानसिकता से गुजरेंगी तब तक निर्भया छोड़िए, आप ऐसे केसेस आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। आपके साथ में नहीं हुआ इसीलिए आप इतने शांत हैं, कल आपकी बेटी के साथ, आपकी पत्नी के साथ में कोई ऐसा कर दे तब आपको वो चीज़ स्ट्राइक करने से बेहतर है कि आज ही जागरूक हो जाएं और इस समाज में से ऐसे तत्वों को दंडित करना चाहिए। बाकी तो इस देश में ना तो तब बेटियां सुरक्षित थीं और ना ही आज हैं।